खुशी की बात है कि इस बार 2025 में आइफा अवार्ड राजस्थान में हो रहे हैं, जयपुर में हो रहे हैं। ये हमारे टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, हमारे राजस्थान की कल्चर को, हमारी हमारे गौरवशाली इतिहास को, और ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास रहेगा कि इसका बहुत प्रचार प्रसार हो। आप देखेंगे बहुत ही जल्द प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा, पब्लिसिटी शुरू हो जाएगा, हो जाएगी और ना केवल हम लोग करेंगे पब्लिसिटी, ये करेंगे। और इनके साथ जो इनके आर्टिस्ट हैं, जो इनके फिल्मस्टार हैं, वो भी हमारे राजस्थान टूरिज्म की भी पब्लिसिटी करने वाले हैं, उसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और इससे हम सब जानते हैं, इससे निवेश आएगा, ज्यादा फिल्म शूटिंग आएगी, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान आएंगे। और ये एक ऐसा शो है आइफा अवार्ड्स, ये सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे विश्व में इसकी पहचान है। और इनका इनके भी 25 साल पूरे हो रहे हैं, सिल्वर जूबली सेलिब्रेशन आइफा अवार्ड्स की राजस्थान में होने जा रहा है। बहुत ही मैं इसमें मैं सभी विभाग के सभी हमारे रवि जी हैं, हमारे पीपी सिंह जी हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये सबकी ज्वाइंट एफर्ट से आज हम लोग इस एमओयू को साइन कर पाए। वेन्यू मैडम को फाइनल जेईसीसी है, जेईसीसी में वो सारी जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी ये जो चर्चा है, ये डिस्कशन हमारा आज से 4-5 महीने पहले से शुरू हो चुका है। और ये अभी हम लोग यहाँ साइन जो एग्री किया है, सारी जितनी भी ऐसी बातें थी, कहाँ होगा, कैसे होगा, जितनी भी ये चीजें होती है, उन सब के लिए बहुत गहराई से डिस्कशन हो चुका है। और इसलिए आज हम लोग इसपे सब लोग सब चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं। आज इस समय हम सबके सामने रखें।